दोस्तों आज हमें सेटअप बॉक्स को रिपेयर करेंगे और ये फ्रीडेस सेटअप बॉक्स है और ये एयरटेल कंपनी का सेटअप बॉक्स है। दोस्तों ये मेरे पास फुल्ली डेथ कंडीशन में आया हुआ है, इसमें कोई भी लाइट वगैरह या कोई भी इंडिकेटर हमें नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आज हम इसे रिपेयर करेंगे और काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से रिपेयर करना हम आपको सिखाएंगे। यदि दोस्तों आप इस वीडियो को फुल देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी सेटअप बॉक्स की पावर सप्लाई को या उसे रिपेयर कर सकते हैं। भले ही आप फ्रेशर हैं या मैकेनिक हैं, थोड़ा बहुत काम करते हों या ना भी करते हों, तो भी आप दोस्तों इसे आसानी से चेक कर सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं यहां पे इस तो इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों सेटअप बॉक्स तीन भाग में डिवाइड होता है। एक हमारी सप्लाई होती है जहाँ पे हम 220 वोल्ट एसी इनपुट करते हैं और अलग अलग सप्लाई बनाती है, जैसे 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, इस तरीके से सप्लाई आउटपुट करती है डीसी। इसके बाद दोस्तों हमारा एक मेन कार्ड होता है, कार्ड दोस्तों ऑडियो आउटपुट, वीडियो आउटपुट और LMB से सिग्नल इनपुट होते हैं। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड हमारा पार्ट होता है वो होता है दोस्तों डिस्प्ले का सेक्शन। डिस्प्ले के सेक्शन में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम खराबी आती है, लगभग 5 या 10% ही इसमें खराबी आती है, बहुत कम डिस्प्ले ख़राब होती है। डिस्प्ले ख़राब भी होती है तो उसका IR सेंसर वगैरह ख़राब होता है, वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से रिपेयर भी हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों कार्ड में भी काफ़ी ज़्यादा कम खराबी आती है, सबसे ज़्यादा खराबी आती है वो हमारी पावर सप्लाई में आती है, क्योंकि पावर सप्लाई से ही ये सेटअप बॉक्स ऑन होता है। तो दोस्तों हमें इस पावर सप्लाई पर ही सबसे पहले काम करना है। इसकी हम वोल्टेज चेक करेंगे कि जो वोल्टेज बननी चाहिए वो प्रॉपर बन रही हैं या फिर नहीं। तो इसे मैं पूरा घुमा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीड लगी हुई है और यहाँ पे हमारे 220 वोल्ट एसी इनपुट होते हैं। 220 वोल्ट एसी, 250, कितने भी वोल्ट यहाँ पे इनपुट हो सकते हैं, मैक्सिमम 260, 250 इतने वोल्ट इनपुट यहाँ पे होते हैं और आउटपुट यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज बनती है। तो इसे हम चेक करा देते हैं। तो सप्लाई को रिपेयर करने से पहले दोस्तों आपको थोड़ी सी मैं सप्लाई की इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो सप्लाई में दोस्तों दो सेक्शन होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी सेक्शन और एक होता है सेकेंडरी सेक्शन। सेकेंडरी सेक्शन में दोस्तों डीसी आउटपुट होती है और प्राइमरी सेक्शन में एसी इनपुट होती है। तो जहां पे दोस्तों हम जो 220 वोल्ट एसी देते हैं ये इसका प्राइमरी सेक्शन है और जहां से जो अलग अलग वोल्टेज बनती है इसका सेकेंडरी सेक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो लाइन खींची हुई है, इस साइड का जो सेक्शन है ये डीसी सेक्शन है, मतलब सेकेंडरी सेक्शन। यहाँ पर दोस्तों हम इसे छू सकते हैं, करंट नहीं लगेगा, लेकिन दोस्तों जैसे ही हम इसे प्राइमरी सेक्शन में छुएंगे तो यहाँ पे करंट होता है। यदि आप इस वाले सेक्शन में कहीं पे भी छुएंगे तो आपको करंट लग सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारी 220 वोल्ट एसी इनपुट होती है, 220 वोल्ट एसी इनपुट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो चार डायोड लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देखें जो चार डायोड लगे हुए हैं, इन चार डायोड से होते हुए हमारी एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद ये जो मेन कैपेसिटर लगा हुआ है इस पे डीसी वोल्टेज देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक मेन आईसी लगी होती है जो स्विचिंग का काम करती है और वोल्टेज उसके बाद ट्रांसफार्मर के जरिए हमारी सेकेंडरी सेक्शन में जाती है। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, लेकिन जब हमारी वोल्टेज सेकेंडरी सेक्शन में तभी जाएगी जब हमारा ये सिग्नल वाला यहाँ पे जो ऑक्टो कपलर लगा हुआ है यहाँ पे आप देखें, ये सिग्नल देता है हमारे प्राइमरी सेक्शन में कि वोल्टेज भेजनी है या फिर नहीं। तो ये जो ऑक्टो कपलर है सिग्नल यहाँ पे देता है। ऑक्टो कपलर के साइड में यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, ये ऑक्टो कपलर के चलाने के लिए होता है। तो अभी मैं पूरी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं इसकी टेस्टिंग करा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम 220 वोल्ट एसी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे एसी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम एसी 750 पे सेलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पे दोस्तों हमें एसी वोल्टेज चेक करनी है। थोड़ी सावधानी से काम कीजिएगा, नहीं तो करंट लगने के चांस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 वोल्ट हमारे क्लियर बन रहे हैं। वैसे सेटअप बॉक्स 150 वोल्ट में भी ऑपरेट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम इस मेन कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो कैपेसिटर पर दोस्तों डीसी वोल्ट बनती है, तो यहाँ पे हम 1000 पे सेलेक्ट कर लेंगे मल्टीमीटर को। अब यहाँ पे मैं आपको डीसी वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें जो डीसी वोल्टेज बन रही है वो मिनिमम 290-300 के करीब ज़रूर बननी चाहिए। यहाँ पे आपको काफ़ी बार 350 भी वोल्टेज देखने के लिए मिल सकती है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर वोल्टेज है। और इसके बाद दोस्तों हम सेकेंडरी सेक्शन में भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं।
कि हमारी सेकेंडरी सेक्शन में वोल्टेज बन रही है फिर नहीं। तो मल्टीमीटर को डीसी 20 पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम दोस्तों सप्लाई में वोल्टेज चेक करेंगे कि अभी सप्लाई से वोल्टेज कितनी बन रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3.3 वोल्ट की जगह सिर्फ 1 वोल्ट बन रही है, और जहाँ पे हमें 12 वोल्ट 24 वोल्ट देखने के लिए मिलने थे वहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है। इसका मतलब दोस्तों जो सप्लाई में हमारी कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है, लेकिन जो हमारा इनपुट वोल्टेज है यहाँ पे कैपेसिटर पे, आप देख सकते हैं कैपेसिटर पे हमारी प्रॉपर वोल्टेज बन रही है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें इसकी डायोड चेक करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी प्राइमरी वोल्टेज तो प्रॉपर बन रही है, लेकिन सेकेंडरी वोल्टेज नहीं बन पा रही है। तो सेकेंडरी वोल्टेज के लिए दोस्तों यहाँ पे जो डायोड लगे होते हैं, इन सभी डायोड को हमें चेक करना है। यदि इनमें से कोई एक भी डायोड ख़राब हो जाएगा तो हमारी कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। तो डायोड को हम हमेशा कंटिन्यूटी मोड पर चेक करते हैं, या डायोड मोड पर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे तो यहाँ पर दोस्तों हमने मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो डायोड हम दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो डायोड आप देख रहे हैं, किसी भी डायोड में हमें बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और इसकी जो रीडिंग है 100 से कम नहीं आनी चाहिए। यदि 100 से कम रीडिंग आती है या फिर बीप डायोड से आती है तो हमारा डायोड ख़राब हो चुका है। तो एक साइड से दोस्तों रीडिंग देता है डायोड, और एक साइड से रीडिंग नहीं देता है। तो इस तरीके से आप डायोड को चेक कर सकते हैं। डायोड एक साइड से रीडिंग देता है और एक साइड से रीडिंग नहीं देता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको ये डायोड चेक करके दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए। यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे देखें तो इस साइड से रीडिंग आ रही है, लेकिन जब हम अपोजिट साइड से इसे चेक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग हमें शो नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ये प्रॉपर तरीके से सारे डायोड बिल्कुल ओके हैं, इन डायोड में कोई भी ख़राबी नहीं है। मैं सारे डायोड को चेक कर चुका हूँ, सभी में जो रीडिंग आ रही है बिल्कुल सही है। एक बार दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्शन में इसके कैपेसिटर लगी हुई हैं, इन कैपेसिटर पे भी हमें चेक करना है कि ये कैपेसिटर ख़राब हैं या फिर सही। तो यहाँ पे दोस्तों जो कैपेसिटर हैं वो बिल्कुल सही हैं, कैपेसिटर में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों एक कॉइल लगी होती है, तो कॉइल से हमेशा बीप आती है, तो ये कॉइल बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इस कंडीशन में हमें ट्रांसफार्मर को चेक करना है। तो ट्रांसफार्मर में आप देख सकते हैं प्राइमरी सेक्शन में हमें चार लेग देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इसमें दो पैर होते हैं, एक पैर ये है, बिल्कुल सही है, ट्रांसफार्मर से बीप आनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों सेकेंडरी सेक्शन से भी हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है बिल्कुल ये भी सही है। अब दोस्तों यहाँ पे जो वोल्टेज ना बनने का कारण सिर्फ दो कंपोनेंट की वजह से हो सकता है, या तो ये ऑक्टो कपलर, या फिर यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है TL431। तो दोस्तों इन दोनों कंपोनेंट को हम चेंज करके देखते हैं कि क्या रिस्पांस हमें इससे देखने के लिए मिलता है, कोई हमारी वोल्टेज बनती है या फिर नहीं बनती है। तो फटाफट से मैं इनको अलग कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसका ये ट्रांजिस्टर और ये ऑक्टो कपलर दोनों चीज़ निकाल दी हैं, अब इन्हें हम साइड में रखते हैं। और तो यहाँ पर दोस्तों मैंने स्क्रैप बोर्ड से निकाली हैं और ये बिल्कुल सही हैं। और अब मैं इनको लगाने का आपको डायरेक्शन दिखा देता हूँ किस तरीके से आप लगाएंगे। तो आप बोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक डॉट देखने के लिए मिल जाएगी जहाँ पर IC लिखा हुआ है। थोड़ा सा आपको क्लियर तरीके से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें एक डॉट बनी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑक्टो कपलर लगा हुआ था, तो ऑक्टो कपलर में आप देख सकते हैं ऑक्टो कपलर के ऊपर एक डॉट होती है। थोड़ा सा आपको बारीकी से मैं दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे ऑक्टो कपलर के ऊपर यहाँ पे एक जो डॉट बनी हुई है, इसी तरीके का डॉट दोस्तों हमारी इस
पीसीबी बोर्ड में भी बना हुआ है यहाँ पे आप देखें तो ये डॉट डॉट जहाँ पे है वहीं पे हमारी डॉट रहनी चाहिए, सही डायरेक्शन में हमें इसे लगा देना है। तो कुछ तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ऑक्टोकपलर लग जाएगा और जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, जो ट्रांजिस्टर का जो सेफ है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो घुमावदार सेफ है, तो यहाँ पे अभी इसका ही सेफ बना होता है। तो इस तरीके से आप ट्रांजिस्टर को भी सीधा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से लग जाएगा। तो फटाफट से मैं इसकी सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सोल्डिंग कर ली है। चलिए अब हम एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो डायरेक्ट हम सप्लाई को इस कार्ड में ही लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लगा चुका हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं इसमें 220 वोल्टेज ही इनपुट करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारी सप्लाई प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों जो वोल्टेज बननी चाहिए वो 3.3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बिल्कुल एक्यूरेट अभी वोल्टेज बन रही है। तो यहाँ पे जो 12 वोल्ट बननी चाहिए अभी 16 वोल्ट बन रही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो 24 वोल्ट बननी चाहिए वो भी बिल्कुल प्रॉपर बन रही है। और यहाँ पर 5 वोल्ट वो भी प्रॉपर बन रही है। तो दोस्तों हमारी सप्लाई चालू हो चुकी है। इस तरीके से आप अपने सेटअप बॉक्स को रिपेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम सेटअप बॉक्स को देख लेते हैं कि सेटअप बॉक्स हमारा ऑन हो पाया है या फिर नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेटअप बॉक्स में किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर लाइट अभी शो नहीं हो पा रही है। तो हो सकता है दोस्तों ये डिस्प्ले का फॉल्ट हो सकता है या फिर हमारी कार्ड का भी फॉल्ट हो सकता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखें कार्ड हमारा काफ़ी गंदा है। तो इस कार्ड को हम साफ़ करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फटाफट से मैं इसे पेट्रोल से क्लीन कर लेता हूँ या थिनर वगैरह से, और उसके बाद दोस्तों अब हम इसे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसे क्लीन करने के बाद कुछ टाइम हमें छोड़ना होगा जिससे अच्छी तरीके से सूख सके, उसके बाद दोस्तों हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसका कार्ड अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है और ये अच्छे तरीके से सूख भी चुका है। अब दोस्तों हम इसकी फाइनल टेस्टिंग करते हैं। तो हम इस ढक्कन को बंद कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसे चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सेटअप बॉक्स कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों हम इसे 220 वोल्ट यहाँ से देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें अभी सेटअप बॉक्स में डिस्प्ले भी आ चुकी है और इसकी बटन की जो की लाइट है ये भी जल चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने सेटअप बॉक्स को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।